हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं 2023 का सबसे लेटेस्ट लैपटॉप जो एचपी ने फिलहाल ही में लॉन्च किया है। एचपी ने वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट लैपटॉप लॉन्च किया था एरो सीरीज के नाम से, जो राइजन 5 और राइजन 7 में आ रहा था। 5000 सीरीज में था वो, राइजन 5 और राइजन 7 में। एचपी ने उसे दोबारा रीलॉन्च किया है अपनी एरो सीरीज को, और इस बार राइजन 5 और राइजन 7 में 7000 सीरीज के साथ लॉन्च किया है। ये लैपटॉप वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट लैपटॉप है, और मैं कहूं फास्टेस्ट लैपटॉप भी आप कह सकते हैं, सबसे फास्टेस्ट नहीं लेकिन बहुत फास्ट लैपटॉप है, जिसमें एएमडी ने अपनी 7000 सीरीज दी है 6 कोर वाली। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हम उस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, बेल आइकन प्रेस करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं आज के लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों आज का लैपटॉप देखते हैं। उठाने में बड़ा हल्का है, बॉक्स के साथ भी बहुत हल्का फील हो रहा है। एचपी ने इसमें अपने बॉक्स का लोगो भी चेंज किया, आप देख रहे होंगे पहले सिर्फ एचपी लिखा हुआ होता था, अब उस पे 0% डिफॉरेस्टेशन अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप ओपन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉक्स कंटेंट्स में क्या क्या है। पावर पोर्ट जो हर लैपटॉप में आता है, ये आपका एडाप्टर है, 65 वॉट का एडाप्टर दे रखा है, मैनुअल है, और ये हमारा लैपटॉप बड़ा ही स्लीक लैपटॉप है। मतलब आपको उठाने से फील ही नहीं होगा कि ये लैपटॉप आपने उठा रखा है। मैं आपको इसका वेट बताऊं, 0.97 केजी का वेट है, यानी 970 ग्राम, इससे हल्का लैपटॉप नहीं है। ये देखिए सिंपल, आप ऐसे एक हाथ से इसे कहीं से भी मूव कर सकते हैं। डिजाइन देखिए 13.3 इंच के अंदर लैपटॉप है ये। और सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बॉडी की। आप बॉडी देखेंगे, बहुत स्लीक बॉडी बनाई है। आप इसकी थिकनेस देखेंगे, ठीक है, बैक साइड वेंट दे रखे हैं, रबड़ है, बहुत हल्का वेट है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं ये एक हाथ से ओपन होता है या नहीं होता। वाओ, ये लैपटॉप आप एक हाथ से ही ओपन कर सकते हैं, इतना लाइट वेट है ये। बात करते हैं दोस्तों इसके पोर्ट्स की। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे हम तो सबसे पहले पोर्ट दे रखा है चार्जिंग का, जिससे आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, और दूसरा पोर्ट है आपका USB SS, जो आपके डाटा ट्रांसफर के काम आता है। राइट साइड में देखते हैं लैपटॉप के, उसमें आपको जो सबसे पहला पोर्ट मिलता है वो HDMI का है, आपके डिस्प्ले के लिए। अगर आपने एक्सटर्नल स्क्रीन या टीवी या प्रोजेक्टर कनेक्ट करना है, आप HDMI से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिलता है आपको सुपर स्पीड USB, एक हमारे लेफ्ट साइड में था, एक हमारे राइट साइड में है। उसके बाद आता है टाइप सी, फास्ट डाटा ट्रांसफर के लिए टाइप सी यूज होता है, आप इससे लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक आपके स्पीकर्स या हेडफोन को कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की। बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेसर की। एएमडी ने हाल ही में लॉन्च किए हुए अपनी 7000 सीरीज, और आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, राइजन 5 7000। देखिए प्रोसेसर आप चेक करेंगे, राइजन 5 7535U विद रेडियन ग्राफिक्स इसका प्रोसेसर है 7000 सीरीज में। हम इसकी बेस स्पीड देखेंगे 2.9 गीगाहर्ट्ज़ की है, लेकिन टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं आजकल सारे प्रोसेसर, टर्बो बूस्ट होकर 4.55 गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है। 6 फिजिकल कोर है, मल्टीटास्किंग आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, प्रोसेसर की बात हम कर ही रहे हैं, इसमें AMD इसमें 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर लेके आया है। अभी तक जितने प्रोसेसर आ रहे थे 5000 वो सारे 7 नैनोमीटर में थे, इसमें 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी AMD ने लॉन्च की है। लॉजिकल प्रोसेसर देखेंगे आप, इसमें 12 है, और L3 कैशे देखते हैं तो 16 MB की इसमें L3 कैशे है। तो देखिए प्रोसेसर स्पीड के मामले में कहीं भी कम नहीं है ये। मेमोरी, इसकी मेमोरी भी खास है, 16 GB की इसमें रैम है,
स्पीड 64 मेगाहर्ट्ज की है, अभी तक किसी भी लैपटॉप में हमने नहीं देखी थी जिसमें राइजन 5 में 6400 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आई हो। आप इसमें स्लॉट देखेंगे, 4 है बेसिकली, इसमें 4 स्लॉट नहीं है, इसमें 4 चिप लगी हुई है, ऑन बोर्ड है, इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते। और आप ये कह सकते हैं 4 GB की 4 इसमें चिप लगी हुई है। स्पीड हमेशा इंक्रीज रहती है जब भी ऑन बोर्ड रैम होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5x की रेशियो से स्पीड इंक्रीज होती है। 64 मेगाहर्ट्ज़ हमने बात कर लिया। डिस्क देखेंगे सैमसंग की, 512 GB इसमें SSD लगी हुई है, 470 GB आपको इसमें वर्किंग के लिए कैपेसिटी मिलती है। वाईफाई की बात करेंगे, 6.2 इसके अंदर वाईफाई आपको मिलता है और 5.3 ब्लूटूथ है। अगर हम ये कहें कि आप राउटर का, आपने 5G राउटर लगा रखा है, तो आपको स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। GPU, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, AMD अपने हर प्रोसेसर के साथ डेडिकेटेड ग्राफिक्स जरूर देता है, चाहे वो 2 GB हो चाहे 512 MB हो। इसमें आप देखेंगे डेडिकेटेड GPU आपको 2 GB मिलता है, और आप शेयर की बात करेंगे तो 6.9 GB के साथ मिलकर होता है कि 8.9 GB। बेसिकली इतना लाइट वेट लैपटॉप है, आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं, बहुत हैवी गेमिंग्स नहीं कर सकते जिसमें 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स की जरूरत हो, लेकिन जहां तक 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स की जरूरत है वो आप इसमें कर सकते हैं। लाइट वेट के साथ गेमिंग बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, 13.3 इंच में आपको इसका डिस्प्ले मिलता है, फुल HD WUXG आपका इसका डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन की बात करेंगे, 1920x1200 इसका रेजोल्यूशन है। एंटी क्लियर IPS डिस्प्ले के साथ आता है ये, और 400 निट्स के साथ आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इसमें 100% RGB है, मतलब अगर आप बात करेंगे, अगर आपको ग्राफिक्स का काम करना है तो कलर्स में आपको डिफरेंस नहीं आएगी, 100% RGB आपको यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट रहता है। बात करते हैं हम इसके वेबकैम की, वेबकैम इसका वाइड विजन 720p HD कैमरा ही है, विद टेंपर नॉइस रिडक्शन के साथ, और साथ में इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन। दोस्तों इसमें 13.3 इंच का फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, नेचुरल सिल्वर कीबोर्ड है। बात करेंगे हम इसकी की ट्रैवलिंग स्पेस की, की ट्रैवलिंग स्पेस काफी अच्छा है, 13.3 इंच का न्यूमेरिक कीपैड आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों समय आ गया है लैपटॉप को फिजिकली ओपन करने का, तो चलिए करते हैं लैपटॉप का ऑपरेशन। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, तो चलिए देखते हैं लैपटॉप के पार्ट्स। तो दोस्तों देखते हैं लैपटॉप में कहां पे क्या क्या दे रखा है। यहां लैपटॉप का प्रोसेसर है, बेसिकली ये मदरबोर्ड है आपको जो दिख रहा है, ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर हीट सिंक से कनेक्टेड है, आपका फैन ये रहा, ये आप देख रहे हैं ये SSD है, ये आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसको हटा के ही आप लगा पाएंगे दूसरी, आप अलग से कोई भी SSD इसमें नहीं लगा सकते। देखिए इसमें दोस्तों मेन बात है इसकी, अगर हम बात करेंगे रैम की, रैम आपको बताया था 16 GB ऑन बोर्ड है, 4 रैम है इसमें, एक ये लगी हुई है, 1, 2, 3, 4 यहां पे एक रैम है जो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, इसमें टोटल मिला के 4 रैम है 4 GB की, तो आपकी टोटल 16 GB रैम होगी, ये आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस लैपटॉप को लेते हुए कि रैम आपकी 16 GB ही रहेगी। हालांकि ये प्रोसेसर जो है राइजन 5 7000 सीरीज का, वो 64 GB रैम सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अंदर आप 16 GB से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 स्पीकर्स दे रखे हैं, आप देखेंगे ये 2 स्पीकर्स हैं, बैटरी है 3 सेल की बैटरी है, 43 वर्क आवर्स के साथ आपको मिलती है बैटरी बैकअप, आपको इजिली इसमें 8-9 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो दोस्तों मार्च 2023 में HP ने ये लैपटॉप लॉन्च किया है, और हमने आपको मार्च में ही ये लैपटॉप ओपन करके दिखा दिया है, आपको सारा बता दिया है, आपको बड़ा इजी रहेगा लैपटॉप जब आप परचेज करने जाएंगे, आप मेरे को नहीं लगता आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन रहेगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों HP ने अपनी इस एरो सीरीज में 3 मॉडल लॉन्च किए हैं, तीनों में सिर्फ और सिर्फ कलर का डिफरेंस है। राइजन 7 भी लॉन्च किया है, वो अलग है, उसमें 1 TB SSD आती है, हम कोशिश करेंगे वो भी आपके लिए लेके आए। जो अभी हमारे पास है वो है BE2057 AU,
इसके अंदर जो कलर है वो नेचुरल सिल्वर कलर है। एक जो लॉन्च है वो है BE2055AU जो वार्म गोल्ड के साथ आता है, और एक है BE2056AU जो पेल रोज गोल्ड के साथ आपको मिलता है। कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कलर का डिफरेंस है इनमें। तो चलिए दोस्तों, आज हमने देखी कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप एरो राइजन 5 में 7000 सीरीज। बात करते हैं आपके किस यूज में आ सकता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं लाइट वेट, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इससे लाइट वेट लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा। 970 ग्राम का लैपटॉप है, इससे हल्का लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा मार्केट में कहीं भी। विंडोज आपको इसमें मिलती है ओरिजिनल विंडो 11, एमएस ऑफिस भी आपको मिलता है 2021, जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट मिलता है। अब यूसेज की बात करते हैं, देखिए 13.3 इंचेस का है, तो सबसे पहला पर्पस तो इसका यही है कि जिनको भी लैपटॉप लाइट वेट में चाहिए वो आप इजीली ले सकते हैं। कोई भी काम इसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट बहुत ईजी है, अकाउंटिंग एक्सटर्नल की बोर्ड आप लगा के कर सकते हैं अगर आप न्यूमेरिक कीपैड यूज करते हैं तो। उसके आगे हम बात करते हैं कि आपके अपने प्रोजेक्ट करने हैं आप वो कर सकते हैं। आपने गेमिंग करनी है इसमें, जिस गेम की भी रिक्वायरमेंट 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स है वो भी आप इजीली कर सकते हैं, आप इसमें ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। बहुत हैवी नहीं कर सकते लेकिन एक लिमिट तक आप इसमें कर सकते हैं, जो आप नॉर्मली इंटेल के i5 12th जनरेशन प्रोसेसर में नहीं कर सकते वो आप राइजन 5 में इजीली कर सकते हैं। उससे तो हैवी प्रोसेसर होता है, 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। मार्केट में आपको अगर मैं बात करूंगा तो ये 65,000 से 70,000 की रेंज में आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कुछ एक एचपी वर्ड्स के हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे डिटेल्स, आप वहां जाके देख के लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं। एचपी आपको इसके साथ 1 ईयर ऑनसाइट वारंटी देता है और टाइम टू टाइम ऑफर भी देता है वारंटी एक्सटेंड करने की। आप जब भी एचपी वर्ल्ड पे लैपटॉप लेने जाएंगे, आप वहां पे सेल्स पर्सन होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसमें वारंटी एक्सटेंशन करने के क्या प्राइसेस हैं। देखिए, अगर मैं इस बात प्रोडक्ट की बात करूं तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मुझे पर्सनली लैपटॉप लेना हो, लाइट वेट में लेना हो, स्मॉल स्क्रीन 13.3 इंचेस में, तो अभी तक की ये प्रोडक्ट ये मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। एचपी ने बहुत अच्छा लैपटॉप लॉन्च किया है। यहां तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आगे भी हम नए नए लॉन्चेस की वीडियोस, नए नए लैपटॉप्स की वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, और हम हमेशा कोशिश करते हैं हर लैपटॉप को आपको फिजिकली ओपन करके भी दिखाएं, जिससे आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे हम वीडियो लॉन्च लोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता चल जाएगा कोई नई वीडियो आई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।